वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरामल पुडिंग। स्वीट डिश है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और कुछ अलग टेस्ट है इसका। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। आधा किलो दूध ले लेंगे हम एक बर्तन में और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी। मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड की है। ये थोड़ी मीठी डिश होती है, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें चीनी कम ऐड करिएगा। चलिए देखिए इसमें उबाल आने लगा है और इसे अच्छे से पका उबाल लेंगे हम दूध को। और हमें दूध की क्वांटिटी आधी कर लेनी है, मतलब अच्छी तरीके से हमें दूध को पका लेना है। जब हमारा दूध आधा हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम इसका कैरमल तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी ऐड की है और 1 चम्मच इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पर अच्छे से पकाते रहेंगे तो ये चीनी बिल्कुल घुल जाएगी, अच्छे से कैरेमल हो जाएगी और इसमें कलर आने लगेगा ब्राउन कलर का। देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। बस ये हमारी कैरेमल बनकर रेडी है। अब हम इसे बर्तन में कर लेंगे जिसमें हमें पुडिंग तैयार करनी है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे जल सकता है, तो एहतियात से करिएगा। अब इसमें डालकर हम इसे जल्दी से फैला लेंगे, गर्म गर्म ही फैलाएंगे वरना ये ठंडा होकर जम जाएगा। चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे हम अंडे। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे हम। जब अंडे अच्छे से फेंट जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दूध। दूध हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा मिक्स हो जाएगा, देखिए ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, कैरेमल इसमें चिपक चुका है, तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम दूध और इसे छान लेंगे। छान कर ऐड करेंगे ताकि जो भी इसमें मलाई वगैरह है वो ना जाए इसके अंदर। चलिए एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था और उसमें ये बाउल रख देंगे और उसको ढक देंगे। अब इसे कवर करके 20 से 25 मिनट पका लेंगे। देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है इसकी। और इसे फ्रिज में रख देंगे हम ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद मैंने निकाल लिया है और देखिए इसकी साइड छुटा दी हैं और कैरेमल पुडिंग बनकर हमारी रेडी है। देखिए बहुत अच्छी कैरेमल पुडिंग बनकर रेडी हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक